आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी के बीए द्वितीय वर्ष के छात्र कन्हैया आवासिया के कपड़े पहनने के तरीके को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। आधुनिकता के युग में कन्हैया सिर्फ ऊपरी हिस्से को टावेल से एवं चड्डी पहनकर ही कॉलेज आता है। कन्हैया बचपन से ही स्कूल में भी सिर्फ चड्डी ही पहनता था। कन्हैया को शुरू से ही कपड़े पहनने से एलर्जी है। वहीं कॉलेज में इसे मुगली का नाम की छात्रों ने उपाधि दे रखी है। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन चौबे ने बताया कि शायद कन्हैया को साइको किस्म की बीमारी हो सकती है, जिसके चलते कन्हैया को कपड़े पहनने के कहने पर दो तीन दिन तक किसी से बात नहीं करता है। मेरा नाम प्रदीप ओहरिया है, मैं बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपकी क्लास में कोई कन्हैया है जो कपड़े नहीं पहनता है, टावेल ही पहन के आता है, क्या कहूँगे इसके बारे में? जी सर, मैं जानता हूँ कन्हैया अवश्या उनका नाम है और उनकी वेशभूषा अलग ही है। वे सबसे पहले तो वो टावल लपेट के ही आता है और उसके अलावा कुछ वस्त्र नहीं है उनके पास। तो ऐसा आपने जानने की कोशिश करी कि भाई इस तरह से जो आता है सभी पैंट शर्ट पहन के आते हैं और वो फिर टावल और चड्डी में आता है? जी सर, मैंने पूछा था उन्हें कि आप टावल ही क्यों लपेट के आते हैं, अपने दूसरे पैंट वगैरह क्यों नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने बोला है कि मैं पहले से ही मैं ये वस्त्र नहीं पहनता हूँ और मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे ऐसा बोला उन्होंने। जी, मेरा नाम मधुसूदन चौबे है, मैं शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में करियर काउंसलर हूँ और साथ ही साथ इतिहास का शिक्षक हूँ। सर, कॉलेज में मोगली जैसा भी उपयोग आता है, क्या कहेंगे इसके बारे में, कौन है और कहाँ से आता है? जी, एक विद्यार्थी है जिसका नाम कन्हैया आवासिया है और वो इस वर्ष बीए सेकंड ईयर में अब पढ़ेगा। पिछले वर्ष बीए फर्स्ट ईयर में था, तभी मेरी उससे भेंट हुई, उसको मैंने देखा और चूंकि आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान मैं भी पढ़ाता हूँ तो उस कक्षा में वह विद्यार्थी बैठता था। तो उसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो कपड़े नहीं पहनता जैसा सामान्य विद्यार्थी पहनते हैं, वो सिंपल एक चड्डी पहनता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को एक टॉवेल से वो कवर करता है, इस तरह की उसकी वेशभूषा है। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी जैसे सामान्य दूसरे बच्चे आते हैं वो भी एक ही ड्रेस कोड में आए? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उससे भी प्रयास किया जानने का, उसके साथियों से भी और उसके भाई से भी। तो मुझे ये पता चला कि बचपन से ही उसका अभ्यास इस तरह का रहा कि वो कपड़े पहन नहीं पाता। जब भी उसको कपड़े पहनाने की ऐसी कोशिश घर के लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा की जाती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है और वो कपड़े खोल ही देता है। तो इस तरह से वो कपड़े नहीं पहनता। यह भी पता चला है कि उसको कपड़े पहनने से कोई एलर्जी आदि जैसी भी कोई समस्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है और कपड़े से उसको विरक्ति हो गई है। तो कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग आदि की व्यवस्था की जाए, थोड़ा समझाया जाए तो वह कपड़े पहन सकेगा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह वह भी कॉलेज में आ सकेगा। सर, कौन सा गाँव है? पिछोड़ी नामक एक छोटा सा गाँव है बड़वानी के निकट, वहाँ का वह रहने वाला है। बहुत परिश्रमी बालक है, खेती किसानी जो उसके घर में है बहुत मेहनत से वो खेती का काम करता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में वो नोट्स बनाता है, नोट करता है। कुछ विषय उसको बहुत अच्छे लगते हैं जैसे अर्थशास्त्र। खेलकूद में सुनने में आया है कि वो कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है। कक्षा में भी जब वो बैठता है तो किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं करता है, बहुत शांति से बैठता है, अनुशासित होकर बैठता है। उसकी वजह से कभी भी कक्षा में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ कि एक विचित्र सी वेशभूषा में कोई युवक आ गया है पढ़ने तो कक्षा का वातावरण बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। उसके साथी विद्यार्थियों को भी अब यह बात समझ में आ गई कि वो उसी तरह से रहता है तो सभी उसके प्रति आत्मीयता का ही भाव रखते हैं, कोई उसकी हंसी नहीं उड़ाता, कोई उसको चिढ़ाता नहीं। हाँ, पहली बार कोई देखता है तो अजीब सा लगता है तो रुक कर देखने ज़रूर लगता है, पलट कर उसको देखता है, पर परेशान कोई नहीं करता, न वो करता है ना कोई दूसरा करता है।